इसलिए क्लियर हो जाता है कि जो अव्वल नंबर देवी देवता धर्म है, अव्वल दीन मुसलमान भी मानते हैं उसे, तो उसका धर्म स्थापक है कौन, जिसे हम शंकर कहते हैं। सिर्फ शंकर कहें कि शिव शंकर कहें, देवी देवता सनातन धर्म का स्थापक है, क्या कहें, दो कहें, शिव शंकर कहें, तब ही देवी देवता धर्म स्थापन होता है। अच्छा शंकर कहें तो नहीं स्थापन होता, उसमें शंकर में शिव नहीं होता, फिर शंकर में शिव है तो फिर अकेला शंकर क्यों कहें है, इसलिए कहें कि शंकर भी अपने स्वरूप में स्थित नहीं होता शुरुआत में, जब संपूर्ण रूप से बिंदु बन जाए तब कहेंगे योगी, इसलिए तो गीता में लिखा है नहीं असन्यस्त संकल्प योगी भवति कश्चन, जिसने अपने संकल्पों का पूरा त्याग नहीं किया है वो योगी नहीं हो सकता। जैसे दुनिया में योगी होते हैं ना, सन्यासी लोग होते हैं, कहते हैं हम योगी हैं, घरवार तो छोड़ देते हैं है? जमीन जायदाद छोड़ देते हैं, प्रॉपर्टी छोड़ देते हैं, लेकिन फिर उनको याद आती रहती है कि नहीं है, घर बार बार बच्चे बीवी बार बच्चे याद आते हैं कि नहीं, याद आते हैं, तो संकल्प तो चलेंगे ना, तो कैसे योगी हुए, कैसे सन्यासी हुए, संग माने संपूर्ण, न्यासी माने त्यागी, संपूर्ण त्यागी तो नहीं हुए। और अगर संपूर्ण त्यागी कहें भी तो कहें उनका गुरु भी संपूर्ण त्यागी होना चाहिए, गुरु भी कोई ऐसे नहीं होते, ऐसे द्वैतवादी दुनिया में, द्वैतवादी दुनिया ही तब कही जाती है जब दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो भाषाएं, दो दो कुल, दो दो मतें चलती हैं, उसको द्वैतवादी दुनिया कहा जाता है। स्वर्ग में देवताएं अद्वैत कहे जाते हैं, अद्वैत माने दूसरे को नहीं मानते, सिर्फ मैं आत्मा एक ज्योतिबिंदु, और जहां ज्योतिबिंदु आत्मा है, ज्योतिबिंदु की याद है, तो उसमें वो जो मुखिया है देवता धर्म का वो भी उसमें है या नहीं है, है आत्मिक स्टेज में, आत्मिक स्टेज लगातार जिसकी रहेगी उसके साथ शिव का रूप है या नहीं है, शिव है या नहीं, शिव हुआ ना, तो वो देवताएं एक की याद में रहते हैं, इसलिए कहेंगे निसंकल्प। जैसे ब्राह्मणों की दुनिया में बताया कि ऐसा पुरुषार्थी ब्राह्मण बने जो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, एक की याद रहे, तो उस एक की याद कहेंगे ये रहेगी तो कहेंगे सदगति, और दूसरे दूसरों की याद आती है तो कहेंगे जरूर दुर्गति होना शुरू हो गई। तो बताया दुनिया के जो धर्मगुरु होते हैं, धर्म पिता हैं, वो गुरु नहीं कहे जा सकते, या भारत में भी जो गुरु बन के बैठते हैं वो भी गुरु नहीं कहे जा सकते, शंकराचार्य गुरु बन के बैठते हैं ना गद्दी जमा के, फिर उनको भले किसी नाम से बुलाओ है, गुरु माने गुरुत्वाकर्षण शक्ति वाले कोई भी नहीं है, उनको भी कोई खींच लेता है, कौन खींचता है, जब सृष्टि का अंत और सृष्टि का आदिकाल होता है तो उनको भी शिव जिसमें प्रवेश करता है, जिसे संसार में नाम दिया जाता है शिव के साथ शंकर,
वो शिव शंकर सारी दुनिया को आकर्षित कर लेता अपनी ओर, तो भले उनको किसी नाम से बुलाओ, इब्राहिम कहो, गुरु करो, बुद्ध करो, कुछ भी कहो, ब्रह्मा कहो, विष्णु कहो, क्योंकि ब्रह्मा और विष्णु की भी मूर्तियों को स्थापन करने वाला कौन है, बनाने वाला कौन है, है? ऊपर उंगली उठा दी, शिव है। अच्छा, वो खुद मूर्ति है जो मूर्ति बनाएगा, मूर्ति बने साकार, खुद ही मूर्ति नहीं है तो बनाएगा कैसे? क्या वास्तव में असली रूप में जब कहें कि तीन मूर्तियां संपन्न रूप में तैयार हुई, तो तब ही कहा जाएगा जब तीनों मूर्तियों को बनाने वाला वो मूर्तिमान शंकर जो सदैव आत्मिक स्टेज में स्थिर हो जाता है, शिव स्वरूप बन जाता है, तो वो ही तीन मूर्तियों को स्थापन करने वाला त्रिमूर्ति शिव। तो उसके अलावा और दुनिया में सब हैं धर्म स्थापक। क्या जो धर्म स्थापन के निमित्त तो बनते हैं, फिर नंबरवार ही धर्म की पालना कर पाते हैं और विनाश तो कोई कर ही नहीं पाते। इसलिए कोई भी शिव के स्वरूप नहीं है। क्या शिव स्वरूप तब कहा जाए जब अपने धर्म की स्थापना भी करें और पालना भी करें अच्छे से और विनाश भी करते हैं, जब तामसी बने तो फिर वो धर्म पिता हैं। एक आता है, दो आता है, तीन आता है, आते ही जाते हैं, दूसरा भी आते हैं, बाकी सदगति कोई किसी की थोड़े ही करते हैं। उनको याद करने से किसी की भी सदगति नहीं हो सकती। क्या धर्म पिताओं को याद करेंगे? क्योंकि वो खुद ही अपूर्ण है। सदगुरु तो कोई है ही नहीं जो सबकी सदगति करे, तो वो अपनी भी सदगति नहीं कर सकते और दुनिया में सारी दुनिया के मनुष्य मात्र की सदगति नहीं कर सकते, प्राणी मात्र की सदगति नहीं कर सकते।